एबी की आय का अनुपात दे रखा हम लोग को 9:7 दे रखा, उनके खर्च का अनुपात 4:3। तो दोस्तों उनके प्रत्येक हफ्ते में क्या है कि 200 रुपए की बचत होती है, तो 200 रुपए की बचत होती है तो उनकी आयु का योग याद निकाले, योग अपन को निकालना, तो वो योग कैसे निकालते देखते अपन को आय का अनुपात दे रखा है इनकम का, वो इनकम का अनुपात दे रखा अपन को ए और बी का दे रखा है, वो दे रखा अपन को 9:7 दे रखा है सिंपल। उसके बाद खर्च का अनुपात दे रखा है अपन को, वो खर्च का अनुपात दे रखा है अपन को, वो दे रखा अपन को 4:3। अब ये अनुपात अपन को दे रखा है तो अपन क्या करेंगे देखते हैं, इधर से 9 गुणा किया तो 9 × 3 = 27, बजगुणन करके 9 × 3 = 27, और इसे 9 किया तो 28। तो इनका जो अंतर है एक, यही तो बचत हो रही है, ये बचत कितनी है 200 रुपये। तो 1 × 200 है 1 = 200, तो 7 = क्या हो गया 9 का और अपन दोनों का योग, तो 9 और 7 कितने होंगे 16। 16 × 200 किया अपन ने तो 16 × 2 = 32, तो ये 3200। ये अपन को क्या आ गया प्रत्येक सप्ते में दोनों का योग हो गया, ये अपना 3200 का आंसर आ गया दोस्तों। इसी तरीका से नहीं कर सकते तो अलग एक विधि और बताता हूं आपको, वो प्रत्येक बंदों को आगे देखते हैं कि अपन पास 9x प्लस, क्योंकि प्रत्येक में 200 रुपये जोड़ने 200 रुपये बटे यहाँ पे 7x प्लस 200, उसके बाद में कितने अनुपात हो जाता है 4:3। इसको अपन ने किया ये कन्फर्म वही डायरेक्शन आएगी 9 × 3 = 27, 9 × 3 = 27 और 9 × 7 = 28। 28 में एक गया, अब इधर क्या बना 600 और 800, 600 और 800 में से 600 और 800 कितने का अंतर 2 का, तो 1 = अपने के पास में आया 200। अब अपन 200 आ गया, अपन को क्या पूछा है कि दोनों का योग 9 और 7 कितना था 16, 16 का योग हो गया ये 1 = 16, तो 16 = क्या आ गया 200 से गुणा किया अपन, तो ये आ गया अपना 3200। इस तरीका से करो चाहे इस तरीका से करो आंसर अपन ना वो ही निकल के आएगा दोस्तों। तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि अच्छे और स्टैंडर्ड हमारे क्लास के साथ बने रहो, अच्छी तरह आपको समझ में आएगा और हमारे वीडियो को लाइक जरूर करते हैं दोस्तों। देखते अगला क्वेश्चन इसी बेहतर तरीका से अपन बताते हैं आपको, देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन करने में और पढ़ने में मजा आ रहा होगा, देखते अगला क्वेश्चन जो अपन बता रहे हैं आपको कि अगला क्वेश्चन दे रखा है अपन को कि ए और बी की आयु का अनुपात हो जाता है 2:3, कितना हो जाता है 2:3, इसको हटा देता हूं ये हो जाता है 2:3। तो दोस्तों उनकी जो खर्च का अनुपात है वो हो जाता है 1:2, ये हो जाता है 1:2 हो जाता है। अब देखो तो उनके प्रत्येक 24,000 रुपए की बचत कितनी होती है 24,000 रुपए की, यहां अपन 24,000 ले देते हैं, ₹24,000। अब देखो वही तरीका से वही स्टैंड लेवल से अपन को क्वेश्चन करना पड़ेगा, तो देखते हैं अपन क्वेश्चन की ओर। एक बार सभी स्टूडेंट एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, देखते हैं। तो देखते अपन कि ये क्वेश्चन ए और बी का अनुपात दे रखा है अपन को 2:3, जो उनकी जो इनकम है आय है उनके बारे में दे रखा है, और जो खर्च है वो 1:2 दे रखा है। तो उनकी जो एक सप्ते में बचत है प्रत्येक सप्ते में 24,000 बचत है, तो उनकी आयु का अनुपात ये पूछ सकता है पहला क्वेश्चन, तो आयु का अनुपात। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि बी की आयु क्या होगी, बी की आय। दूसरे क्वेश्चन में ये पूछ सकता है ए है बी की आय का अंतर पूछ सकता है, अंतर पूछ सकता है, और ये पूछ सकता है ए की पूछ ली, तो ये तीसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ए की आय क्या होगी, ए की आय। तो 3 क्वेश्चन होगी ना, 4 क्वेश्चन होगी, एक तो उनकी आय का योग टोटल पूछा, एक ए का और बी का अलग अलग पूछा, और दोनों को अंतर पूछा। देखते अपन किस प्रकार से अपन इसको निकालते हैं। तो मैंने वही बताया कि अनुपात जो अपने दे रखा है वो आय का अनुपात अपने पास में दे रखा है दोस्तों 2:3 दे रखा है, ठीक है।
उसके बाद अपन जो खर्च करेंगे पैसे वो अनुपात दे रखा है 1:3। अब माना कि अपने पास 100 रुपये थे, 100 रुपये में से अपन ने 20 रुपये खर्च कर दिए, जो बचे कितने 80 रुपये। तो ये तो पूछ रहा है प्रत्येक बार 80 रुपये बचत हो रही है, तो ये प्रत्येक बार क्या है 100 रुपये 24,000 रुपये की बचत होती है। इस प्रकार से अपन को ये पूछा, तो देखते हैं। मैंने अभी बताया आपको उस माध्यम से कर लो जो अलग माध्यम से, देखते हैं। एक्स टू एक्स प्लस 24,000 बटे 3x प्लस 24,000 रुपये बराबर कितनी आई हो जाती है इनको 1:2 हो जाती है। सॉरी 1:2 सॉरी मिस्टेक गलत हो गया, 1:2 1:2 हो जाती है। कमेंट में लिख दिया करो, तो 1:2 हो जाती है, लिखते दोस्तों। तो अपन अब किस प्रकार से अपन को इसको करना है कि 2×2 = 4, यहाँ पर आ गया 4x प्लस 24×2 = 48,000 आ गया, 48,000 बराबर ये क्या 3x आ गया प्लस 24,000। अब इस प्रकार से अपन कर सकते, इसको इधर से इधर लाएंगे या इधर से इधर ले जाएंगे, तो अपन को डिफरेंट निकालना। तो 4x में से 3x गया तो x बच गया, अब 48,000 में 24,000 गया तो 24,000 बच गया, ये अपने पास में आ गया। अब ये अपने पास में आ गया 24,000, तो क्या पूछ रहा है आप देखते हैं। ए और बी आयु का योग, फर्स्ट क्वेश्चन का अपन को जो अपन को पूछा है उनका योग हो गया दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन का अपन जवाब देते हैं, उनका योग हो जाता है 2 और 3 कितने 5, 1 = 5, तो 1 = 24,000 होता है, 24 गुणा जो उनका योग निकल के आ जाएगा। ये अपन को पूछा है ये योग निकल के आ जाएगा 0 0 0 और 4×5 के तो 0 और 4×2 = 12। यह 120,000 उनकी योग का आयु का योग है। दूसरा क्वेश्चन मतलब ये वाला फर्स्ट, बी की आयु क्या होगी, बी की आयु 24 दे दी तो 2×24,000 तो ये निकल गया 48,000। तो बी की आयु क्या होगी 48,000। क्वेश्चन नंबर 3 जो मतलब 2 है, उनकी योग का अंतर पूछा दोस्तों। अब देखो सॉरी यार क्या पूछा, बी की आयु, बी की आयु 3 से 9 सॉरी 72,000 हो जाएगी। अब पूछा ए और बी की आयु इनका अंतर कितना है, 1 तो 1 का मतलब 24,000 तो अंतर हो गया 24,000। ये सब क्वेश्चन आंसर अपने दोस्तों। अब अपन का ये वाला क्वेश्चन, इसका क्या है, 1 की आयु का अनुपात 1:2 है, 2×, अपन ने किया 24,000 तो ये अपन के निकल के आ गया 48,000। दोस्तों हमारा क्वेश्चन जो बाद में बताया वो अच्छी तरह समझ में आया होगा आपके, और क्वेश्चन करने में मजा आया होगा। तो हमारे क्वेश्चन को लाइक करिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों। मैंने अब देखते हैं अगला क्वेश्चन की अपन बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके, बहुत स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर काफी बार आता है। जो अपन कर रहे हैं